बच्चों इसका नेक्स्ट है जो टूथ डिके मींस दांतों का सड़ना। जैसे आपको पता है कि जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं ना, जो परमानेंट वाले दांत होते हैं, अगर उनमें से कोई दांत टूट जाए तो वो दोबारा नहीं आता। सो हमें अपने दांतों की केयर करनी बहुत जरूरी है। इसका हम अभी आ गया, नेक्स्ट है इसका है दांतों का सड़ना। जैसे कीड़ा लग जाता है, जब दांत खराब हो जाते हैं, इसका रीजन क्या है? कहते जो फूड हम खाते हैं, अगर दांतों के बीच में जहाँ पे गैप होता है, ठीक है, जहाँ पे विथ होती है उनकी, आपस में डिस्टेंस होता है, तो वो सारा फूड है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिससे जर्म्स बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। और स्पेशली बैक्टीरिया जर्म्स वहाँ पे जल्दी आते हैं मीठी चीज़ें खाने से। तभी डॉक्टर वगैरह मना करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट टॉफीज वगैरह हम इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनसे मीठी चीज़ें से हमारे दांत कीड़ा लग जाता है, दांत खराब हो जाते हैं। सो अगर ऐसे हो जाए फिर देन एक कैविटी होती है। कैविटी वो चीज़ है जो एक दांत के बीच में एक होल करती है, ठीक है, एक स्मॉल होल होता है जिसको कैविटी कहते हैं। अगर कहते कैविटी धीरे धीरे बढ़ती जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, दांत खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे दांत में पेन होने लग जाती है और हमारे मुंह से बदबू भी आने लग जाती है। सो हमें हमारे दांतों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसकी है केयर ऑफ टीथ। अब हमारे दांतों की जो केयर है वो कैसे करनी चाहिए? हमें सबसे पहले दिन में 2 बार डेली ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक रात को सोने से पहले। हमें अपने गम्स की मसाज करनी चाहिए, मसूड़ों की मसाज करनी चाहिए ताकि जो वो स्ट्रोंग एंड हेल्दी रह सके। हमें जो भी फूड खाते हैं उनके बाद, खाने के बाद हमें अपना जो मुंह है उसको वॉश करना चाहिए, पानी से धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। हमें फाइबर्स चीज़ें खानी चाहिए लाइक गावा, कैरेट, टर्निप एट्सेट्रा। मिल्क पीना चाहिए, मिल्क में जैसे कैल्शियम होती है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, विच इज़ गुड फॉर टीथ, और हमारे टीथ के लिए भी अच्छा होता है। हमें जो स्टिकी और जो स्वीट्स है उनको अवॉइड करना चाहिए, मीठी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। और हमें टाइम 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 पे 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट को अपना टीथ का चेकअप करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट आ गई टंग। टंग क्या होता है? जीभ। ये भी इसका हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है? टंग इज स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गेन है हमारा बॉडी का, और टंग के थ्रू ही हम जो टेस्ट होते हैं वो उसको चेक करते हैं। हमारी जो टंग है वो 4 तरह के टेस्ट को चेक करती है, स्वीट, मीठे को, नमकीन को, कड़वी चीज़ें को और खट्टी चीज़ें को। जो स्वीट एंड सॉल्टी चीज़ें होती हैं, ठीक है, नमकीन और स्वीट मीठी चीज़ें होती है, वो हमारी टंग के टिप पे होती है, टिप पार्ट है हमारी टंग का जिसके थ्रू वो चेक करती है। जो खट्टी चीज़ें होती है वो टंग की साइड्स के होती है, साइड्स वाले पार्ट्स होते हैं, उसके थ्रू हम खट्टी चीज़ें को टेस्ट करते हैं। और जो कड़वी चीज़ें होती है, बिटर चीज़ें होती है, वो टंग के, आप जैसे डायग्राम में देखो, हमारी टंग के बिल्कुल बैक, जो पीछे वाला जो है ना, अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है, इसके थ्रू हम जो कड़वी चीज़ है वो उसे हम टेस्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ टंग, इसके फंक्शन क्या है, इसका मेन काम क्या है हमारी जीभ का? जो भी हम फूड खाते हैं उसको पुश करने में ये हमारी हेल्प करती है, टंग के थ्रू ही हम इसको अंदर लेकर जाते हैं अपने मुंह में। और टंग हेल्प अस टू स्पीक, हमारी बोलने में टंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हमारी जीभ ही ना हो तो हम बोल ही नहीं सकते, ठीक है। टंग के थ्रू ही हमारे जो बोलते हैं हमारी जीभ हिलती है, इसके थ्रू ही हम बातचीत करते हैं, इसके थ्रू ही हम बोल सकते हैं। टंग हेल्प अस टू स्पीक, हमारी बोलने में जी हमारी हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको चैप्टर समझ आ गया हो। ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।